हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है गवार, और कहीं कहीं इसे ग्वालिन भी बोला जाता है और गवार भी बोला जाता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग के यहाँ इसको क्या बोला जाता है। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद मैंने इसको ऐसे कट कर लिया, एक में से सिर्फ दो पार्ट, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे नहीं करने हैं। तो मैं इसका बनाने वाली हूँ चोखा, तो मैं दिखाती हूँ कैसे बनता है। बहुत टेस्टी बनता है और बहुत फटाफट से बन जाता है। फ्रेंड्स, 1 से 1.5 गिलास पानी में ग्वार को रख दिया है बॉयल करने के लिए, और 10 मिनट, ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट बॉयल करेंगे, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो बस ये 2 मिनट में रेडी होने वाली है, मेरा कलर एकदम से चेंज हो गया है, तो 2 मिनट में ये पक जाएगी। फ्रेंड्स, ये अच्छे से कुक हो चुका है, तो बस अभी गैस को बंद करके और इसको निकाल लेते हैं पानी में से, अलग अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने 4-5 लहसुन की कलियां और 3 मिर्च ले लिया है, इसको अच्छे से कूट लेंगे। आप चाहे तो इसको कट करके भी डाल सकते हैं, पर मैं इसको कूट के डालने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया है, और डालेंगे इसमें सरसों का तेल। तो ये सरसों के तेल में ही बहुत टेस्टी बनता है, तो सरसों का तेल ही ऐड करें, क्योंकि ये चोखा बन रहा है और चोखा हमेशा सरसों के तेल में अच्छा लगता है। तो हल्का सा होने देंगे इसे गर्म। फ्रेंड्स, सरसों गर्म हो गया है, तो डालेंगे लहसुन मिर्च का जो कूटा हुआ पेस्ट है, और इसको अच्छे से पकाना है। लहसुन मिर्च का पेस्ट अच्छे से पक रहा है, चाहे तो उसमें आधी एक प्याज डाल सकते हैं, आधी एक प्याज काट के, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा डाल दिया है हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा ही डालेंगे गरम मसाला, और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे नमक। फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से पक चुका है, लेकिन मसाला एकदम अच्छे से पक चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो बस ऐड करेंगे ग्वार या ग्वालिन जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, बस इसको ऐड कर देना है। इसमें मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया, और डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। दो मिनट पकने देंगे अच्छे से, 2 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएगा। तो हल्का सा मैंने इसे मैश कर दिया, इसी से ऐसे करके कूट देंगे थोड़ा सा, तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। पलटे की मदद से हल्का हल्का सा मैश कर देना है। फाइनली फ्रेंड्स, कुक हो चुका है चोखा, और तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली एकदम से रेडी हो चुका है खाने के लिए। आप इसको रोटी से या फिर मक्के की रोटी से खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।